हाय गाइस, मेरा नाम है शौर एंड आज मैं इंडिया के सबसे बड़े बैडमिंटन टूर्नामेंट में जो कि योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 का है। ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जहां वर्ल्ड के टॉप रैंक बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम टॉप 1 टू टॉप 50 आए हैं। तो जब भी हम टीवी में कोई टूर्नामेंट देखते हैं तो उसमें खाली मैचेस दिखाते हैं, लेकिन उसके बाहर बहुत सारी मेहनत लगती है। तो वो सारी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे जो कि पूरा बिहाइंड द सीन्स है। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम पूरा टूर करेंगे इस टूर्नामेंट का। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये टूर्नामेंट कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो ये KD यादव इंडोर हॉल पे हो रहा है जो कि इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में है। तो आपको यहाँ एंट्री गेट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से एंटर करते हैं सब। अभी तो काफ़ी लोग अंदर चले गए हैं क्योंकि हम मैचेस के बीच में रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड बाजू में आपको यहाँ बड़े से पोस्टर देखने को मिल जाएंगे योनेक्स के, एंड इस साइड भी आपको बहुत बड़े बड़े पोस्टर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर और मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ फिर अंदर जाके। ये हमारा एंट्री एरिया, यहाँ बैग एक चेक होता है, उसके बाद फिर जैसे ही एंटर करने के बाद आपको राइट साइड में यहाँ AR बूथ देखने को मिलेगा जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी ये जो नीचे का एरिया है ये पूरा का पूरा ऑफिशियल्स है। सो अगर हमें मैचेस देखने के लिए जाना है तो हमें यहाँ से फर्स्ट फ्लोर जाना पड़ेगा। तो उसके बाद फर्स्ट फ्लोर से आप पूरे मैचेस देख सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं। वहाँ जाने से पहले मैं आपको वार्म अप एरिया दिखा देता हूँ जहाँ प्लेयर लोग पहले वार्म अप करते हैं, नॉकिंग करते हैं, उसके बाद जो मेन जहाँ मेन हॉल में जाते हैं पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो पहले इधर आ तो गाइज ये हमारा प्रैक्टिस एरिया या हम इसे वार्म अप हॉल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पहले प्लेयर वार्म अप करता है एंड उसके बाद नॉकिंग करता है एंड उसके बाद जाते हैं मेन हॉल में मैचेस खेलने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ काफ़ी सारे प्लेयर नॉकिंग कर रहे हैं। तो ये वार्म अप एरिया के बाजू में ही आपको यहाँ स्ट्रिंगिंग एरिया देखने को मिलता है। तो जब भी कोई प्लेयर प्रैक्टिस करता है या मैचेस खेलते हैं तो उनके जो रैकेट के जो वायर है वो टूटते हैं, लाइक जो गट है वो टूटती है, तो वो यहाँ आके रिपेयर करते हैं। तो प्रैक्टिस एंड मैचेस के टाइम वैसे उनके पास काफ़ी सारे रैकेट होते हैं तो उस समय वो चेंज करते हैं, और जब मैचेस या प्रैक्टिस के बाद वो यहाँ आके ये भैया लोग को देते हैं, यहाँ वो फिर रीस्ट्रक मैंने रैकेट को फिर से रिपेयर करके देते हैं वापस प्लेयर्स को। तो जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो शूट करने के दौरान हमें मौका मिला वर्ल्ड के नंबर वन बैडमिंटन प्लेयर विक्टर एक्सेलसन से मिलने का मौका, एंड हमने की उनसे थोड़ी बातें। तो गाइस ये है हमारा मेन हॉल और यहाँ आने के बाद एक अलग ही एनर्जी आ रही है। एंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ आपको तीन कोर्ट देखने को मिल जाते हैं एंड तीनों ही कोर्ट में मैच चल रहा है। एंड जो मिडिल कोर्ट में मैच चल रहा है हमारा लक्ष्य एंड रेफरी गेमका का चल रहा है। एंड और ऊपर में देख सकते हो पूरी ऑडियंस भरी है फर्स्ट फ्लोर में, पूरा जहाँ ऑडियंस गैलरी है वहाँ पूरे ऑडियंस सब बैठे हैं, काफ़ी ज़्यादा चेयरिंग हो रही है। एंड ये मैं आपको बताता हूँ कि प्लेयर कहाँ से आते हैं जब वो एंट्रेंस करते हैं। तो ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको, तो ये यहाँ से प्लेयर्स एंट्री करते हैं। एंड जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि वार्म अप एरिया मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो वहाँ से वार्म अप करके ये एंट्री एरिया से आते हैं। एंड आपको यहाँ एक स्क्रीन देखने को मिल जाएगा बड़ा सा, जैसे कि आप देख सकते हो तो वहाँ पूरा स्कोर लगा हुआ है और यहाँ साइड में सारे ऑफिशियल्स बैठे हैं। तो गाइस मैंने आपको प्रैक्टिस हॉल दिखा दिया, मेन हॉल दिखा दिया, अब मैं आपको ऑडियंस गैलरी दिखाता हूँ। तो उसका रास्ता आपको यहाँ से देखने को पड़ेगा। तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ। तो आपको यहाँ बहुत बड़ा बोर्ड देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो, एंड इसके बाद यहाँ से एंट्री है। तो ये हमारा फन जोन, यहाँ आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, उसके बाद कुछ गेम्स वगैरह है, दो गेम है, आप वहाँ जाके खेल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको खेल के बताता हूँ। सो ये क्या है भैया, एक बार मेरे को बताओ। ये फन जोन है जो तैयार किया गया है ऑडियंस के लिए, जो फ्री टाइम में आके यहाँ पर खेल सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट्स डिवाइड है, फर्स्ट टू के 5 पॉइंट्स है, ग्रीन कलर ठीक है,
और ऑरेंज के 10 पॉइंट्स है, और रेड का 15 पॉइंट है, ठीक है। आपको टोटल 30 पॉइंट्स बनाना है, हाँ, और उसके बाद आपको यूएनएक्स के सॉक्स फ्री मिलेंगे, मतलब गिफ्ट, गिफ्ट एज अ गिफ्ट, ठीक है। आपको दो चांस मिलेगा, हाँ, और 5 रिंग्स है, और 30 बनाना है मेरे को, ठीक है, 30 पॉइंट्स। यार किसी और को ट्राई करो। अरे यार ठीक है। तो ये हमारा सेकंड फन गेम है, एंड इसमें यहाँ होल्स बने हैं वॉल पे, एंड आपको यहाँ 5 चांस मिलेगी, 5 में से अगर आप 3 डालते हो तो आपको सॉक्स फ्री मिलेगा। तो इसके भी हम ट्राई कर लेते हैं, यहीं से मारना है ना, आपको ऊपर में मारना है क्या, आपको ऊपर में मारना है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एक दी जा रही है भाई साहब, वो एक गई है। तो गाइस ये था हमारा फन जोन, एंड उसके बाजू में है वहाँ ऑडियंस गैलरी, तो उसके वहाँ बाद में चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको यूनेक्स के बूथ ले जाता हूँ, ये एक यूनेक्स का स्टोर है। तो गाइस ये है यूनेक्स का बूथ, यहाँ आपको यूनेक्स के बैडमिंटन इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, तो आप आ जाइए। सो जैसे ही आप एंटर करोगे आपको यहाँ सबसे पहले शूज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है, एंड काफ़ी सारे शूज़ हैं यहाँ। आपको एरर देखने को मिल जाएंगे जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है Z। सो काफ़ी अच्छे कलर में ये देखने को मिलता है, एंड इसका सोल में भी काफ़ी अलग डिज़ाइन हुआ है। डेफिनेटली हम अपने चैनल पर रिव्यू करेंगे ये शूज़, एंड ये शूज़ भी आप देख लो, ये इन्फिनिटी है, ये थोड़े से अलग है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे इसको ऊपर खींचते हैं, एंड देन ऊपर खींच के आपको पहनना है ये जूता, एंड उसके बाद फिर प्रेस करके ये ऐसे लॉक हो जाता है, ठीक है, ये प्रेस किया एंड देन लॉक, ये रहा इन्फिनिटी अपना। तो गाइस ये शूज़ एरिया के बाद आपको यहाँ सारे बैडमिंटन रैकेट देखने को मिल जाएंगे यूनेक्स के, जैसे कि आप देख सकते हो। हम जल्दी से टूर करेंगे, एंड उसके बाद हमें यहाँ किट बैग देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, काफ़ी सारे किट बैग है, काफ़ी डिफरेंट कलर है, और नए नए किट बैग हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड आपको मैं यहाँ भी एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ आपको क्लॉथिंग देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जितने भी टी शर्ट है बैडमिंटन रिलेटेड, आपको पॉलिएस्टर वाले सारे आपको देखने को यहाँ मिल जाते हैं, काफ़ी सारी वेराइटी इसमें देखने को मिल जाएगी आपको, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड वो जो किट बैग है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये किट बैग में जो इंडिया टीम थी थॉमस के जो जीती थी, तो उनके सारे सिग्नेचर आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड ये 75th एडिशन किट बैग है। तो गाइस यहाँ कुछ टी शर्ट एंड शूज शोज के लिए लगे, जैसे कि आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है दिखने के लिए। यहाँ आपको शटल वगैरह देखने को मिल जाएंगी, एंड एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी भैया, वो दिखाना, तो लॉकेट, ये काफ़ी अच्छा लगा है। यहाँ आपको इसमें शटल बना हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ठीक है। और एक और वो भी दिखा दो भैया, जैसे कि आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया रैकेट एंड शटल छोटा सा बना है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। फिर यहाँ शटल रखी है, एंड उसके बाजू में सारे सॉक्स देखने को मिल जाएंगे, ग्रिप्स देखने को मिलेंगे, रिस्ट बैंड देखने को मिल जाते हैं, टाइम लेके, एंड आपको मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, यानी कि कोई नहीं, काफ़ी सारे हमें यहाँ शॉर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, टी शर्ट वगैरह है, एंड काफ़ी सारे नए कलेक्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं, एंड ट्रैक सूट भी काफ़ी अच्छे अच्छे मल्टी कलर में देखने को मिल जाएंगे आपको। तो मैं आपको ओवरऑल एक लुक दिखा देता हूं। सो गाइस ये था हमारा यूनेक्स का बूट, यहाँ आपको सारे इक्विपमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया। तो चलिए अब देखते हैं हम ऑडियंस गैलरी।
के बाजू से यहाँ ऑडियंस गैलरी आपको देखने को मिलती है। तो नई चीज़ यहाँ नोटिस करी, ये यूनेक्स का एआर बूथ है, यहाँ आप अपने प्लेयर के साथ फोटो खिंचा सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ टैप करके स्टार्ट करना है, ठीक है, एंड उसके बाद आपको कौन से प्लेयर के साथ फ़ोटो खिंचाना है, आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो अपन खिंचा लेते हैं विक्टर एक्सेलसन के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हम कर लिए स्टार्ट, ठीक है। तो उसके बाद अपने आपको लाइक ऐसे पोजिशन में लाना है कि जिससे बेटर फोटो आए। तो ये जो स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि हेलो, आई एम बिग साक्षी, थैंक यू टू ऑल द फैंस फॉर शोइंग अप हियर टुडे इन दिस थिंग टू लिटिल पिगमेंट, रियली अप्रिशिएट दिस सपोर्ट। या लेट्स टेक अ पिक्चर फॉर मी, 1 2 3। सो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ फ़ोटो क्लिक हो गई है। अब हमें यहाँ डाउनलोड में क्लिक करना है, ठीक है, और उसके बाद अपने मोबाइल से कोई भी स्कैनर से आपको फिर स्कैन करना है, ठीक है। तो ये एक स्कैनर आ गया, हम गूगल स्कैन कर लेते हैं, एंड जैसे कि आप देख सकते हो, ये हो गया स्कैनर। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मोबाइल में मेरी फ़ोटो आ गई है एंड विक्टर एक्सेसन के साथ। तो आपको यहाँ टैप करके रखना है एंड उसके बाद फिर यहाँ डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड हो गया, आप अपन ओपन करते हैं एंड जैसे कि आप देख सकते हो, फ़ोटो रेडी है। सो जब हम टूर्नामेंट को कवर कर रहे थे, तो हमें मिले अपने बहुत सारे बैडमिंटन सब्सक्राइबर्स, एंड पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, एंड ये वीडियो बनाने का मेन मोटो ये था कि आप में से काफ़ी लोग यहाँ आ नहीं सकते, काफ़ी दूर रहते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास था कि आप लोगों तक ये जो टूर्नामेंट है उसका पूरा इनसाइट आपको दूँ। एंड आई लाइक टू थैंक यूनेक्स सनराइज इंडिया, क्योंकि वो उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि पूरा शूट करने का। सो आई लाइक टू थैंक देम, एंड मेरा नाम है शौर्य, चैनल का नाम है हाईटेक बैडमिंटन, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।